हेलो गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज नंबर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, उसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस नंबर 3.1 से 3.8 कंप्लीट किया है, अब मैं 3.9 को स्टार्ट कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपके पास में ये फिगर है, आपको वापस कह रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई की लेके बैठना, उसके अंदर एक फिगर दे रखा है। उस फिगर के अंदर मैं करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो करंट आपके पास में आ रहा है बैटरी के वोल्टेज से, जो करंट पास हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होकर ए पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ से I1 और I2 में, बी और डी एन सी फोर पॉइंट्स आपके जंक्शन पॉइंट है। तो ए पॉइंट से करंट को हम जो है लीव कर रहे हैं, बी पॉइंट पर करंट को अगेन लीव करेंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके बीसी पार्ट में जाएगा I1 माइनस I3 और बीडी पार्ट में जाएगा आपके ब्रांचेज में जाएगा I3। बीडी जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपके पास में एडी ब्रांच से जो पॉइंट करंट आ रहा I2 प्लस I3 ऐड होगा और डीसी ब्रांच में जाएगा I2 प्लस I3 और टोटल होगा I4। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग नाउ यूजिंग द किरचॉफ लॉ, सो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ कह सकते हैं आप उसको, या किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट लॉ जो है केवीएल लॉ, केसीएल लॉ को हम पुट कर रहे हैं, और केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग I=I1 प्लस I2 का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, इस टाइप से हम लेंगे। नाउ फर्स्ट लूप, सो फर्स्ट लूप हम डिसाइड कर रहे हैं ए बी डी ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और नाउ यूजिंग द केवीएल लॉ, और केवीएल लॉ हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ, और वो हमसे ये कहता है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो सिग्मा IR इट मींस टैन को मल्टीप्लाई करेंगे I1 से, करंट के डायरेक्शन में जाना है आपको, टैन को मल्टीप्लाई करिए I1 से प्लस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए I3 से, और आप फिर डी पॉइंट से ए पॉइंट में जस्ट अपोजिट जाएंगे, माइनस 10 को मल्टीप्लाई कीजिए I2 से, और आपके इस जंक्शन में इस लूप में बैटरी नहीं है, इट मींस 0। सेकेंड लूप की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड लूप को हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहे इस इक्वेशन को ऑल सॉल्व आउट कर दीजिए। ओके, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में 2I1 माइनस 2I2 प्लस I3 का कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, नाउ सेकेंड लूप, लूप नंबर सेकेंड को हम डिस्कस कर रहे हैं BCDB। ओके, इस लूप में भी अकॉर्डिंग टू केवीएल लगाएंगे, और केवीएल लगाएंगे तो ये हमसे कहेगा सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा EMF का कॉन्सेप्ट लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बी से सी ब्रांचेस की ओर मूव करना है, सो 5 I1 माइनस I3। नाउ बी से सी, अब हमें सी से डी जस्ट अपोजिट, सो माइनस साइन द 5 I2 प्लस I3, एंड डी से भी अगेन अपोजिट, सो 5 I3 एंड देर आर नॉट अवेलेबल इन द एनी बैटरी, सो दिस वैल्यू इज द 0। सो नाउ 5 I1, 5 को कॉमन ले लीजिए, और आपके पास रिमेनिंग बचता I1 माइनस I3 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ओके, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, सो आपके पास बनता है I1 माइनस I2 माइनस 3I3। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन नंबर 2 राइट डाउन कर लीजिए इस इक्वेशन को। ओके, आपके पास में जो बचता है वो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ गया हूँ, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएगी उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमसे कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एक मिस्टेक ये होगी कि यहाँ पर 5-10 अवेलेबल है, बुक्स में देखा मैंने तो NCERT की बुक्स में यहाँ 10 है, इसलिए हमारे यहाँ पर यहाँ मिस्टेक होने के चांस जो लग रहे थे थोड़े से, तो 2 को 5 को कॉमन लेंगे I1 माइनस I3 माइनस 2I2 माइनस
टू आई थ्री एंड माइनस आई थ्री। ओके अब क्लियर हो गया पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंसिंग है वो ध्यान से देखिए। बैलेंसिंग के पॉइंट को हम एक बार डिस्कस पूरा कर लेते हैं। बैलेंसिंग के पॉइंट में यहाँ पर फाइव था, थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो गया, ये फाइव था, तो फाइव होने की वजह से हमारे पास में टेन आई वन प्लस फाइव आई टू माइनस फाइव आई टू था, तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे तो टू आई वन प्लस फाइव को कॉमन लेंगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी। ओके थोड़ा सा मैंने पॉइंट को जो है ओप्स को लिखने में मिस्टेक कर दिया है, इसको वापस आपके सामने देख के आ रहा हूँ। सो आई वन माइनस टू आई टू माइनस फोर आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। अब आप कॉपी में प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिए। ओके माई डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने एक सेकेंड थर्ड लूप को क्रिएट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपके सामने मैं स्क्रीन के इस साइड में लिखा हूँ, इस सर्किट के नीचे सारे मैं जो है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन टू आई वन माइनस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ क्रिएट हो गई थी। सेकेंड इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ आई वन माइनस टू आई टू माइनस फोर आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, दिस क्लियर। ओके एंड नाउ क्रिएट ए थर्ड लूप, सो लूप इज क्रिएट ए डी ए डी सी एफ जी ए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो नाउ अकॉर्डिंग टू केवीएल सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई एम एफ, दिस पॉइंट आर क्रिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट फ्लो द ब्रांचेस ए टू डी, सो फाइव आई टू प्लस डी टू सी, नाउ टेन मल्टीप्लाई आई टू प्लस आई थ्री। ओके एंड देन करंट फॉरवर्ड आएगा, सो करंट की डायरेक्शन होगी टेन आई एंड वोल्टेज रहेगा आपका टेन। ओके सो सॉल्व आउट कर दीजिए तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी, फाइव को कॉमन ले लिया, फाइव से डिवाइड कर दिया, सो दैट इज द आई टू प्लस टू आई टू प्लस टू आई थ्री एंड टू आई वन अपॉन टू। ओके नाउ आई टू थ्री आई टू प्लस टू आई थ्री एंड आई वन इज रिप्लेस बाय टू आई वन प्लस आई टू नाउ टू, सो इक्वेशन आपके बन के सामने आ रही है टू आई वन, हियर इज द टू एंड टू टू आई टू एंड थ्री आई टू प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू टू, तो आपके पास स्क्रीन पर आ गई टू आई वन प्लस फाइव आई टू प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू टू, ये स्क्रीन आपकी थर्ड है। राइट डाउन कर लीजिए, कॉमन लेके मैंने आपके सामने लेके आ गया हूँ इस स्क्रीन की वैल्यूज को। ओके ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। ओके नाउ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को यदि सॉल्व आउट करेंगे हम, और सिंपल सा सॉल्व आउट है, एल्जेब्रिक सॉल्व आउट है, सो एवरी स्टूडेंट चाहे वो मैथ्स का है चाहे वो फिजिक्स का है बायो का है, टू आई वन माइनस टू आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, आई वन माइनस टू आई टू माइनस फोर आई थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू प्लस टू आई थ्री इज इक्वल टू टू, ये आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन थर्ड इक्वेशन को आप सॉल्व आउट करेंगे देन ये एल्जेब्रिक सॉल्व आउट है, ये आप कर सकते हैं, सिंपल सा एल्जेब्रिक सॉल्व आउट है, इसको कर आप आई वन और आई टू की वैल्यू करेंगे सॉल्विंग देन आई वन, माय डियर फ्रेंड्स आई वन की बात कर रहे हैं, आई वन ब्रांचेस है आई ए बी में। ओके माय डियर फ्रेंड्स आई टू ब्रांचेस है वो आपकी प्रोसीड हो रही है आई ए डी में, और यदि आई थ्री ब्रांचेस की आप बात कर रहे हैं तो आई थ्री जो करंट है वो ब्रांचेस आपके आई बी डी में पास आउट हो रही है। ओके सो सॉल्व करके जो वैल्यूज मैं यहाँ पर आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ आप भी एल्जेब्रिक सॉल्व से इसको सॉल्व आउट करना। ओके तो ये कवर आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आप कर लेना। फर्स्ट आपके आ रही है फोर अपॉन सेवनटीन एम्पियर्स
6 अपॉन 17 एम्पियर्स एंड माइनस 2 अपॉन 17 एम्पियर्स। ये आपके पास में 3 पॉइंट आ गए हैं I1, I2 एंड I3। ओके, एंड देन आपका ब्रांचेस फाइंड आउट करना है, BC वाला ब्रांचेस। सो आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इट मींस I BC को डिफाइन करना है, तो I1 माइनस I3 को डिसाइड कर लीजिए। तो I1 में से I3 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 17, क्योंकि ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, एंड आपके पास में DC ब्रांचेस को यदि सॉल्व करना है DC, तो DC आपके पास में आएगी I2 प्लस I3 के कॉन्सेप्ट से। सो माय डियर फ्रेंड्स, I2 ये और I3 ये, तो आपके पास में रहेगी 4 अपॉन 17 एम्पियर्स। ओके, अब इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व आपको सॉल्व करना है। और हमारे पास में जो टोटल करंट की जो वैल्यू है ना, टोटल करंट, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वैल्यूज को आप पुट अप करेंगे तो आपके पास में 4 अपॉन 17 प्लस 6 अपॉन 17 कॉन्सेप्ट से आप यूज करेंगे तो 10 अपॉन 17 एम्पियर्स आ जाएगा। सब बड़ा था किरचॉफ के पैटर्न पर है और विस्टन ब्रिज के पैटर्न से इसका सर्किट्स आपके बुक्स में दे रखा है। सो किस टाइप से मैंने इसको सॉल्व आउट किया है, आप एवरी स्टूडेंट इसको सॉल्व आउट करना, क्योंकि इसी टाइप के आपके MCQ भी बनने वाले हैं। ओके, हम प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर 3.9 का भी फिगर आपकी NCERT की बुक में दे रखा है और मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। सो मीटर ब्रिज के रिलेटेड किस वैल्यूज को मैं यहाँ पर शो करने के लिए आ रहा हूँ 3.10। और 3.10 का जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का आप जो है, यदि आप मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट की ओर देख रहे हैं, तो मीटर ब्रिज का मेरा वीडियो आपके स्क्रीन पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। उस पर मीटर ब्रिज का पूरा मैंने जो है आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, इसको समझाया गया है और एक MCQs और उससे रिलेटेड सब न्यूमेरिकल्स और प्रोवाइड करवाए हैं, उसको भी आप कीजिए और आपके NCERT की बुक को भी आप करेंगे। ओके, तो मीटर ब्रिज की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट जो है S से स्टार्ट हो रहा है, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L की कॉन्सेप्ट पर ही मीटर ब्रिज वर्किंग करता है। ओके, तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, सो नाउ वी रीड दिस क्वेश्चंस। द बैलेंसिंग पॉइंट इज द फाउंड टू बी एट द 13.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रेजिस्टर वाई इज द 12.5 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। व्हाई आर यू द कनेक्टिंग बिटवीन रेजिस्टर इन अ वेस्टर्न एमीटर ब्रिज मेक ऑफ ए थिक कॉपर स्टीफ। Second, determine the balancing point of the bridge above if X and Y are the interchange. Okay. And third point, what happens if the galvanometer and the cell are interchange at the balancing point of the bridge? Would the galvanometer show any current? Values काफी अच्छी दे रखी है. So first of all, given the sum values, now L की वैल्यू तो आपके सामने है, L की वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द वैल्यूज, L वैल्यू इज द 13.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास में दे रखी है और सेकंड दे रखी है आपके पास में, R इज इक्वल टू आपके पास में X और Y और 12.5 ओम दे रखी है, ये भी आपके पास में दे रखी है y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ लिखा है वाई रजिस्टर y इज द 12.5, तो y आपको शो करने के लिए y s को शो करेगा, तो y इज इक्वल टू 12.5 ओम आपके पास में दे रखी है और r शो करेगा x को, ये यहाँ पर वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यूज भी आपके सामने यदि दे रखी है तो उसको रीड कर लेते हैं हम, जो आपके पास में r की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फाइंड करना है देन रिमेनिंग पोर्शन जो होता है 100 माइनस L के कांसेप्ट को, तो 100 माइनस 39.5 की वैल्यूज को हम यहां पर पुट अप करेंगे, तो 100 में से 0.5 39.5 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या है, मतलब 5 क्या 9 से 9 0 हो गया, 9 में से 3 क्या, तो ऑब्वियसली आपके पास में 60.5 सेंटीमीटर का कांसेप्ट आपके सामने हो। ओके, सो नाउ आई अप्लाई द मीटर ब्रिज वैल्यूज, नाउ x इज इक्वल टू r 100 माइनस L अपॉन L का कॉन्सेप्ट है आपके सामने,
So put up the value. Now x replaced by y, r replaced by x, and 100 minus l upon l. So cross multiplication करेंगे, तो जैसे आप cross multiplication करेंगे, y l is equal to x, 100 minus l, and now x is equal to, आपको x find करना है, तो x is equal to y l upon 100 minus l की concept में हम formula को design करेंगे. Okay friends, चलें आगे. अब हम आगे क्या proceed कर रहे हैं, तो y की values put up कर रहे हैं, 12.5 into l की value 39.5 upon 60.5. ये रखा तो आपके पास में x की value हो जाएगी. ये आपका first point clear हो रहा है. So आपके पास x की values आ रही है, वो 8. आप इसको खुद को भी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 8.16 ohm. इसको मैं calculator से किया, आप इसको solve करना. ओके, इससे क्या है, कनेक्टिंग आर द मेड बाय द थिक कॉपर वायर कॉपर स्ट्रिप इज द मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड विच आर नॉट काउंटेबल. ओके, ऑफ द अबव फार्मूला. यस माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ. इसने कहा है जो मीटर ब्रिज की जो स्ट्रिप होती है, कॉपर की स्ट्रिप है, उस कॉपर की स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को हम यूज कर रहे हैं, उसको काउंटेबल कर रहे हैं, तो नॉट काउंटेबल है. मीटर ब्रिज में जो स्ट्रिप होती है कॉपर की, जिसको मैंने आपकी शेयर के साइज में करा, इस टाइप की स्ट्रिप है आपके पास में. मीटर ब्रिज के सर्किट को आप अपनी बुक में देखना, इस टाइप से आपकी छोटे एक पॉइंट और एक एल के टाइप में इस टाइप की रखी है. तो इस कॉपर की स्ट्रिप को हम मिनिमाइज रखते हैं, यानी कि कॉपर की स्ट्रिप के रेजिस्टेंस को नॉट इंक्लूडिंग द मीटर ब्रिज फार्मूला. ओके, सो इसकी वैल्यू को हम सीरीज में कनेक्ट करके इसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट नहीं करते. ओके, सेकंड पॉइंट करती है, कह रहा है कि एक इंटरचेंज कर लीजिए. इंटरचेंज का मीनिंग है कि x की जगह पर y पुट कीजिए और y की जगह पर x पुट कर दीजिए, तो आपके पास में क्या रिजल्ट आता है. तो नाउ x की जगह पर r पुट कीजिए, यानी कि r की जगह पर आप x पुट कर लीजिए, ये 12.5 ohms हो जाएगी. और अब आपके पास में x की जगह पर आप y पुट कर लीजिए, ये वैल्यूज फाइंड करनी है. तो आपके पास जो फार्मूला दे रखा है, उस फार्मूले में यहाँ पर आप जो है पुट करने जाएंगे, तो आप जो पुट कर रहे हैं वो ध्यान से देखना कि जहाँ x है वहाँ पर आप x को पुट करेंगे, और जहाँ पर आपके पास में वैल्यू दे रखी है तो आप इसके इंटरचेंज करेंगे. तो क्या चीज़ करेंगे, देखो x की वैल्यू आपने फाइंड कर दी है, x की वैल्यू जो अभी आई है, तो x की वैल्यू जो आपके पास में आई है r, जो कि इसको क्या करेंगे y में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर ये किसको कन्वर्ट करेगा, x को. ओके, आर की जगह आर इजिकल टू वाई 12.5, और एक्स इजिकल टू आपके पास में कितनी आई है 8.16 ओम आ गई. ये आपने फाइंड आउट किया, तो अब आपको फाइंड करना है एल की वैल्यू को. इसकी फाइंड करना है एल की वैल्यू को. सो माय डियर, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. नाउ एस इजिकल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल. ओके, और वैल्यूज को पुट अप करते हैं, एक्स की जगह पर 8.16 इजिकल टू आर की जगह पर 12.5 100 माइनस एल अपॉन एल का कॉन्सेप्ट रहा हमारे पास में. और जिस टर्म को हम जब सॉल्व करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको हम यूज करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूँ स्क्रीन से, एंड देन 8.16 एल 12.5 इंटू 100 माइनस 12.5 एल, ये आपके पास में रहेगा. और इसको जो है सॉल्व करेंगे आप, तो जैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसको 10 ये कट हो गया, इसका क्रॉस इसका ट्रांसफर कीजिए, 8.16 एल प्लस 12.5 एल इजिकल टू 250 आपके पास में आ गया. जब इसको मैं ऐड करूंगा तो 8.16 एंड 12.50 नाउ 66 पॉइंट, ये आपके पास में हो गया 20. सो 20.66 एल इज इक्वल टू 1250 आपके पास में आ गया. नाउ एल इज इक्वल टू 1250 अपॉन 20.66, तो आपके पास में इसको डिवाइड करके जो वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो वैल्यू आपके पास में आ रही है 60.5. कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ, आप अपनी ओन डिवीजन मेथड जो है उसको यूज करके करना, ये आपके पास में आ जाएगी. अब आपके पास में थर्ड पॉइंट इसने कहा था, व्हाट हैपन ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, यानी गैल्वेनोमीटर और सेल्स को इंटरचेंज किया जाए, देन इंटरचेंज आर
एट द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज, तो राइट डाउन कर लीजिए, व्हेन द गैल्वेनोमीटर्स आर इंटरचेंज एट द बैलेंसिंग पॉइंट, दिस कंडीशन ऑफ द बैलेंसिंग ब्रिज आर स्टिल जो सेटिस्फाइड एट अगेन द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी करंट। यदि गैल्वेनोमीटर की पोजिशन को और बैटरी की पोजिशन को हम चेंज भी कर ले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गैल्वेनोमीटर जो जो इस स्टे पर लगा हुआ है, मैं पिक्चर को स्क्रीन के आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये जो इसमें पिक्चर है ये मीटर ब्रिज का, उस मीटर ब्रिज के अंदर जो कनेक्शन कनेक्टिंग किया हुआ है इस टाइप से कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन पर आपके ए और सी कनेक्ट किया गया है इस पॉइंट पर, ओके, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, ओके, इस गैल्वेनोमीटर। अब ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को जो है आप जो है इंटरचेंज कर लीजिए सेल से, यहाँ पर आपके बिटवीन में सेल्स लगे हुए हैं, ओके, अभी अब सेल को तो यहाँ पर सेल को यहाँ से रिमूव कीजिए और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पुट अप कीजिए, और यहाँ पर आप जो है बैटरी से किसी को सेल को लगा दीजिए, तो जैसे ही लगा देंगे तब भी गैल्वेनोमीटर में नो फ्लक्चुएशन, नो करंट का, नल पॉइंट का जो पॉइंट है वो क्रिएट होगा। इट मीन सेल्स और गैल्वेनोमीटर की पोजिशन को चेंज करने से, इंटरचेंज करने से आपके मीटर ब्रिज का बैलेंसिंग पॉइंट जो है डिस्टरबेंस नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन करेगा, ओके। सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ओके, राइट डाउन। 3.11 पर आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ और एमसीक्यू टाइप्स के हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत मेन रखता है, आप इसको थोड़ा सा पेन लेकर के करेंगे तो आप ही के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा, ओके। नाउ 3.11 की ओर हम प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ द स्टोरेज द बैटरी ऑफ द EMF 8 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम इज बिगनिंग चार्ज बाय द 120 वोल्ट DC सप्लाई यूजिंग a series resistor of the 15.5 ohm, what is the terminal voltage of the battery during the charging, and what is the purpose of the having a series store in the charging circuit। बहुत अच्छा जो questions आपके सामने रखा है, तो हमारे पास में जो battery का EMF है वो 8 volts है, and DC जो supply है वो 120 है। माई डियर फ्रेंड्स, आपको वापस आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, जो स्टोरेज बैटरी है, स्टोरेज बैटरी में 8 वोल्टेज है और जब उसको चार्ज की जाएगी तो 12 वोल्टेज 120 की हो जाएगी। बैटरी के कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके डेली लाइफ में यूज करेंगे। आप जैसे कि मोबाइल की बैटरी को यूज करते हैं ना, मोबाइल की बैटरी में यदि बैटरी हाफ हो जाती है तो उसको चार्ज में डालते हैं, तो चार्ज में डालने से उसका EMF क्या होगा, तो EMF की जो वैल्यूज होती है, यदि जो आपका स्टोरेज वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है और आप जो चार्जिंग करेंगे डीसी सप्लाई करेंगे जब वो 12 हो जाती है तो आपका ई हो जाता है 12 - 8 को माइनस करने से आपके पास में जो रिमेनिंग बचता है वो 4 वोल्ट बचता है, ओके, ये आपका EMF होता है, इसको ध्यान से सुनना। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि EMF को फाइंड करने के लिए करना है, लेकिन आपके पास में जो ये वैल्यूज आ रही है, हाँ, यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी थी 120 वोल्ट है, तो 120 को यदि 8 से माइनस करेंगे तो 120 माइनस यदि 8 करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो 112 वोल्ट आती है आपकी, ओके। और अब आपके पास और क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, वो रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम, और रेजिस्टर्स दे रखे हैं जो सीरीज में लगाने हैं इसके साथ में वो 15.5। अब आप कहेंगे सर्किट बना दें, यस सर सर्किट बना दे दें, सर्किट इज कंपल्सरी, ये बैटरी है बेटा, ओके, ये वन वे की, इसको किसी रजिस्टर से अटैच करो, इस टाइप इसको सीरीज में अटैच कर दो। अब ये आपसे जो कह रहा है कि इसको डीसी सप्लाई और दीजिए, तो आपके पास में ये आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम्स है और रजिस्टर है वो 15.5 ओम, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड आउटर रेजिस्टेंस द रजिस्टर इज द बोथ आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सो नाउ वी यूज द ई इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर। कहां पर हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में, बार बार बोल रहा हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो इस वाली वैल्यूज को हम पुट अप करेंगे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन मैं वापस आपसे बोल रहा हूँ हमने जो ई निकाला है वो कैसे निकाला है, वापस बोल रहा हूँ, आप
हमारा जो ई है बैटरी में ऑलरेडी स्टोरेज था 8 वोल्ट, अब हम उसको 120 डीसी सप्लाई और कर रहे हैं। जब हम उसको सप्लाई करेंगे बैटरी में पहले से स्टोर है और बैटरी को और सप्लाई की जाएगी तो उसको माइनस किया जाएगा। ओके, यहाँ ध्यान रखना माइनस क्यों किया जाएगा सर, स्टोर और इसमें से तो रिमेनिंग कितना बचता है उसके लिए स्टोर किया जाएगा। आई सो आई ई डैश अपन आर प्लस आर की वैल्यूज को काउंट करेंगे 112 और यहाँ पर जो है 15.5 प्लस 0.5 की कॉन्सेप्ट को लेंगे तो 12.5/16 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में करंट की वैल्यू जो यहाँ फाइंड आउट की जाएगी वो आपके पास में 7 एम्पियर्स आ जाएगी। 16 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 112 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास में आ गई है 7 एम्पियर। ओके, अब आपकी जो बैटरी पर टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमारे पास में क्या वो कॉन्सेप्ट है कि V इज इक्वल टू कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आया था, यदि किसी को मालूम है टर्मिनल वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ये आपके बेसिक चीजों से अटैच है। टर्मिनल वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज सर, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कहाँ करेंगे, इस पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन की जो रॉड्स है उसके ऊपर हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास में इसको निकालने के लिए क्या चीज़ होगी, करंट पास होता है यहाँ से सर। ओके, ये करंट जा रहा है, इस करंट को शो करेंगे और ये करंट इसके और इसका बैटरी का क्या अटैच होता है, EMF प्लस इसके साथ में क्या आएगा, IR। मालूम पड़ा मैंने सेल की कंडीशन में बताया था आपको कि सेल की कंडीशन में इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे इसको, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा था किसी बच्चे ने कहा कि ये 10th का है, 10th का नहीं है बेटा, ये 12th का है, मेन चीज है। तो पावर को सप्लाई करेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास में जो आ रही है वो यहाँ पुटअप करेंगे। अब आपके पास ई की वैल्यू कौन से पुटअप करेंगे, तो डीसी सप्लाई की हुई वैल्यू को पुटअप करेंगे या स्टोरेज बैटरी को, तो स्टोरेज हुई बैटरी को, स्टोरेज कितना हुआ था 8, उस 8 को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे प्लस आई की वैल्यू आपकी 7 है और इंटरनल रिएक्शन 0.5 है, इसके पास में आपके पास में 8 + 3.5 का जो है वैल्यूज रखेंगे और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपके टर्मिनल वोल्टेज आएगी 11.5 जो वैल्यूज आ रही है 11.5 आपके पास में वैल्यूज आ रही है वोल्ट की, ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो राइट डाउन करके 3.11 भी आपका मेन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा है। ओके, एंड इसने ये वापस हमको कहा है कि पर्पज ऑफ द हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट, इट इज सीरीज रजिस्टर लिमिट ऑफ द करंट ड्रॉप फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ द करंट विल बी डिस्ट्रॉय हैविली। ओके, 3.11 पर आ रहा हूँ, थोड़े से सम बड़े हैं इसलिए हो सकता है इसका पार्ट नंबर 3 भी बनाऊंगा मैं, तो अभी मैं पार्ट नंबर 12 को बना करके आपके सामने प्रोसीड कर रहा हूँ, 12 यानी कि सेकंड को बना करके आपके सामने रख रहा हूँ, जो 2 क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है वीडियो आप बच्चे भी देख नहीं पाते और थोड़ा सा अपलोड होने में हमको भी टाइम लगता है और आप भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल को लेकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लेकर थोड़ा प्रेसिस रहते हैं कि सर ये कैसे किया जाए, कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप, इसलिए मैं आपके सिंपल से यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और वीडियो को भी सिंपल बना के दे रहा हूँ, जिससे कि आप 4 क्वेश्चंस भी आपके माइंड में सेटअप होते हैं तो मेरे लिए ये वीडियो का जो पर्पज है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हम चलते हैं 3.12 की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। तो 3.12 की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, इन द पोटेंशियल मीटर अरेंजिंग ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ द 1.25 वोल्ट गिवन ए बैलेंसिंग पॉइंट एट द 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। If the cell is replaced by another cell and the balancing point shifted to the 63 cm, what is the EMF of the second cell? Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि पोटेंशियल मीटर के अरेंजमेंट से रिलेटेड है, बैलेंसिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये कंपेरिजन ऑफ टू सेल्स से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में ई की वैल्यू दे रखी है 1.25 वोल्ट, ये आपके सामने लेंथ L1 की वैल्यू जो दे रखी है वो L1 की वैल्यू आपके पास में रखी है 35 सेंटीमीटर। ओके, 35 सेंटीमीटर आपके सामने है, 35 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर ये आपके सामने है, एंड नाउ E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आपके पास में ये जो आपकी NCERT की बुक के अटैच में चल रहे हैं हम सारे पॉइंट को ले करके,
ओके ये सारा पॉइंट हम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स है। तो कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स के कांसेप्ट को हमने किस टाइप से देखा था, व्हिच इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, प्राइमरी सेल लैक्रांसी सेल एंड टेन्युअस सेल। सो नाउ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का कांसेप्ट को ले रहे हैं और इसको यदि टर्न कर दे रहे हैं तो E2 अपॉन E1 अपॉन L2 अपॉन L1 के कांसेप्ट को ले रहे हैं। नाउ E2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इनटू E1 का कांसेप्ट। सो वैल्यूज आर पुट अप हियर 63 अपॉन 35 इनटू मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 से, आपके पास में जो E2 की वैल्यू आएगी माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसकी वैल्यू आ गई है 2.25 वोल्ट। माय डियर फ्रेंड्स एक कांसेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं, यदि EMF मिनिमम है तो लेंथ भी मिनिमम है और यदि लेंथ मैक्सिमम है तो EMF भी मैक्सिमम होगा बिकॉज़ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नाउ यू सी इन माय प्रीवियस वीडियो पोटेंशियोमीटर की कांसेप्ट को आप देखना, पोटेंशियोमीटर के सारे के कांसेप्ट देखा, वहां पर मैंने प्रिंसिपल आपको दिया है V प्रोपोर्शनल L, लेंथ इंक्रीज तो EMF वोल्टेज इंक्रीज या EMF इंक्रीज। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं इसकी लेंथ 35 है तो 1.25 है, यदि इसकी लेंथ 63 तो ऑब्वियसली इसकी सेकंड सेल की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। ये थोड़ा सा पॉइंट रहता है डिस्कस करने का पॉइंट था क्योंकि इससे आपको एग्जाम के अंदर ये डिसाइड कर देंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये राइट है या रॉन्ग है, और यदि MCQ भी आप पर आता है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके तो हम 2.3.12 तक ही रहते हैं आज, और 3.12 के आगे के क्वेश्चन है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए COVID-19 जो कि एक वेरी डेंजरस डिजीज और एक जो है बीमारी आ गई है उसको आप उससे बचें, तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि 12th फिजिक्स और 12th के बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, इसलिए इसको देखना काफ़ी कंपलसरी। थैंक यू, तब तक के लिए।